I'm giving you a special invite to compete at this year's 2022 Wheelchair Olympia. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ओलंपिया वेगास की तरफ से ब्रेकिंग न्यूज आ रही इंडिया के लिए, जिसके विषय में हम डिटेल पूर्वक बात करेंगे। एंड दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिद्धांत जायसवाल, बिग्रमी प्रजापति राहुल, इंडियन रॉक महेश चौहान के लेटेस्ट फिजिक अपडेट के विषय में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पहले बॉडी बिल्डर है सुंदरम, और दोस्तों हम आपको बता दें, ये खेलते मैन फिजिक कैटेगरी में। आप लोगों को याद होगा कि ये अभिषेक यादव की कैटेगरी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल, और इनके बाद रवि पवार ने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, सुंदरम अपनी कंप्लीट अपर फिजिक की अपडेट देते हैं, जिसमें आप इनके फ्रंट एंगल से और बैक एंगल से कंप्लीट मतलब मसल देख सकते हैं। पहले दोस्तों हम बैक के विषय में बात कर लेते हैं। आप इनके अपर बैक, मिडिल बैक और लोअर बैक में देख सकते हैं, कंडीशन टॉप नॉच पे लग रही, मसल मास भी काफी अच्छा, मतलब कि थिकनेस भी एकदम परफेक्ट है। दोस्तों दूसरी पिक में जब आप यहाँ पर बीच वाली पिक में देख सकते हैं, तो क्रिसमस ट्री क्लियर रूप से विजुअल हो रहा। वहीं दोस्तों जब आप पहली पिक में फोकस करेंगे, तो एब्डोमिनल की कंडीशन टॉप नॉच पे लग रही, एब्डोमिनल पार्ट सॉलिड लग रहा, चेस्ट की भी कंडीशन काफी अच्छी, शोल्डर में आप राउंडनेस देख सकते हैं, शोल्डर 3D शेप में दिख रहा। आप दूसरी और तीसरी पिक के माध्यम से इनके रियल डेल्ट की कंडीशन देख सकते हैं, जो कि एक मैन फिजिक कैटेगरी के बॉडी बिल्डर के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों आप लोग क्या लगता है, क्या सुंदरम इस बार सिल्वर मेडल से अपने को इम्प्रूव करके गोल्ड मेडल मैन फिजिक कैटेगरी में जीत पाएंगे कि नहीं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब दोस्तों हम अपने नेक्स्ट कैंडिडेट के विषय में बात कर लेते। तो हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर है प्रजापति राहुल। दोस्तों प्रजापति राहुल के लेटेस्ट फिजिक अपडेट लेकर आ चुके, जैसे कि यहाँ पास आप वीडियो पिक के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों बता दें, ये खेलते मैन फिजिक कैटेगरी से और ये पार्टिसिपेट करने वाले अमेचर ओलंपिया 2022, जो कि मुंबई में 28 से 30 अक्टूबर के बीच में होने वाला है। दोस्तों जब आप वीडियो में फोकस करते हैं, तो आप इनके मिड सेक्शन, शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप की कंडीशन देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सॉलिड लग रही, और बॉडी में सिमेट्री और कंडीशन टॉप नॉच पे लग रही। तो दोस्तों आप लोग क्या लगता है, क्या प्रजापति राहुल मैन फिजिक कैटेगरी में प्रो कार्ड हासिल कर पाएंगे कि नहीं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब दोस्तों हम अपने नेक्स्ट कैंडिडेट के विषय में बात कर लेते। तो हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर है रवि पवार। दोस्तों हम रवि पवार के लेटेस्ट फिजिक अपडेट लेके आ चुके, जैसे कि यहाँ पास आप वीडियो पिक के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, रवि पवार अपने शोल्डर में ज़्यादा ध्यान दिला रहे, ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते, स्पेशल तौर पे शोल्डर का भी वीडियो इन्होंने बताया, मतलब इनकी जो कंडीशन है आर्म्स की वो काफी अच्छी लग रही है। दोस्तों जब हम पिक के विषय में बात कर देते हैं, तो यहाँ पर रवि पवार ने अपने साइट एंगल से कंप्लीट अपडेट दिए अपने कंडीशन की, इनके सिमेट्री की। आप इनके ऑब्लिक एरिया की कंडीशन देख सकते हैं, एब्डोमिनल पार्ट देख सकते हैं, ऑब्लिक ऐसे लग रहे जैसे इनके एब्स को खा रहे, मतलब इतनी ज़्यादा कंडीशन में ये चल रहा है। तो दोस्तों आप लोग क्या लगता है, क्या इस बार रवि पवार अपना सपना पूरा कर पाएंगे मैन फिजिक कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत के प्रो कार्ड के एक बड़े दावेदार होने का? तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि रवि पवार को कौन टक्कर दे सकता है। दोस्तों जब रवि पवार की बात चली, तो अपने सिद्धांत जायसवाल कहाँ पीछे रह सकते हैं? तो दोस्तों माय नेक्स्ट बॉडी बिल्डर ही है सिद्धांत जायसवाल। दोस्तों सिद्धांत जायसवाल के लेटेस्ट फिजिक अपडेट लाते हुए इनके फ्रंट की और बैक की पिक लेके आए। तो दोस्तों सबसे पहले हम इनके बैक के विषय में बात कर लेते हैं, जिसमें हम पहले मिड बैक और लोअर बैक के विषय में बात करेंगे। जब दोस्तों आप इनके मिड बैक में फोकस कर रहे होंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका मिड बैक कितना ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा, और लोअर बैक की भी कंडीशन टॉप नॉच पर लग रही। वहीं पास इनका जो अपर बैक है, ट्रैप्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मसल मास भी काफ़ी अच्छा है। रियल डेल्ट की बात करें, तो वो भी क्लियर रूप से विजुअल हो रहा है। वहीं दोस्तों अब इनके हम इनके फ्रंट पिक में आ जाते हैं, तो आप इनके चेस्ट में फोकस कर लीजिए। आप हमको बताएं कि इनके चेस्ट में आपको कहां फाइबर नहीं दिख रहे, फाइबर क्लियर रूप से विजुअल हो रहा है, बॉडी में मसल मास भी काफी अच्छा है। तो दोस्तों आप लोग क्या लगता है? हाँ दोस्तों, हम आपको एक चीज ये भी बता दें, जैसे कि आप यहाँ पास कैप्शन में देख सकते हैं कि सिद्धांत जायसवाल लिखते हैं कि ये मतलब बिना कार्ब लोडिंग वाली मतलब फिजिक है, अब ये कल से कार्ब लोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि खेलते मैन फिजिक कैटेगरी से और ये भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं अमेचर ओलंपिया 2022, जो कि 28 से 30 अक्टूबर के बीच में होने वाला। तो दोस्तों ये सोचिए, जब इनकी फिजिक, जब ये डिप्लीटेड मोड में ऐसे दिख रहा है, इनकी कंडीशन इतनी अच्छी लग रही, तो कार्ब लोडिंग के बाद जब यही मसल में कार्ब चला जाएगा, तो कितनी अच्छी तरह से मसल में थिकनेस आपको और भी दिखने लगेगी। तो दोस्तों आप लोग क्या लगता है, क्या सिद्धांत जायसवाल इस बार अपने इतिहास को तोड़ते हुए ब्रॉन्ज मेडल से अब सीधे गोल्ड मेडल को पाके 30 अक्टूबर को भुवन चौहान और बाकी बॉडी बिल्डर के साथ ऑन स्टेज फाइट करते हुए दिखेंगे कि नहीं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों सिद्धांत जायसवाल के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, क्योंकि मुंबई प्रो शो और अमेचर ओलंपिया 2022 की सबसे पहले अपडेट तो हम ही लेके आएंगे। तो दोस्तों हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर है बिग रैमी। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिग रैमी अपने लेटेस्ट फिजिक अपडेट शेयर करते हुए इस पिक को शेयर करते हैं, जिसमें आप इनके बॉडी में फोकस कर सकते हैं कि इनका मसल मास कितना ज्यादा है, इनकी बॉडी कितनी ज्यादा हैवी लग रही है। आप शोल्डर की कंडीशन देखिए, शोल्डर कितने ज्यादा ह्यूज लग रहा है, एब्स इतने हैवी बॉडी में भी, इतने अधिक मसल मास में भी क्लियर रूप से विजुअल हो रहा है, मतलब की बॉडी एकदम शेडेड लुक में लग रही। तो दोस्तों आप लोग क्या लगता है, क्या बिग रैमी, प्लस दोस्तों हम आपको बता दें, बिग रैमी इस पिक के नीचे कैप्शन में लिखते हैं, आई कांट वेट टू स्टैंड विद द
बेस्ट बॉडी बिल्डर इन द वर्ल्ड इन वन लाइनअप 8 वीक्स आउट। तो दोस्तों आप लोग क्या लगता है, क्या विक्रमी अपने इतिहास को दोहराते हुए वापस ओलंपिया का किताब जीत पाएंगे कि नहीं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों आपको क्या लगता है कि बिग रैमी को कौन टक्कर दे सकता है ऑन स्टेज में, आप हमें ये भी बता सकते हैं। हम उस बॉडी बिल्डर को भी अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब दोस्तों हम सुन लेते हैं कि मिस्टर ओलंपिया लास वेगस की तरफ से ऑफिशियल रूप से किस इंडियन बॉडी बिल्डर को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है। I was there. I put on the pro wheelchair, and the day before I put on the amateur wheelchair. Now, not all the amateur or pro wheelchair athletes competed due to visa issues. Now, this becomes a problem because for the pro wheelchair, this event was the last Olympic qualifier. And what that means is either they have to win the event or earn points in order to earn their place to compete at Olympia. Now, one athlete wasn't able to make it due to visa issues. He signed the contract and he kept me updated, as well as his team kept me updated. And if he was approved with visa to come compete, even the day of the show, if he showed up at prejudging, I would have let him compete. But it wasn't his fault. So now what do you do? What do you do? Because he tried. He signed the contract. And only that, he's one of the best in the world, because in 2018 at the Olympia, he was the runner-up. He got second place. But not only that, that if he would have showed up, there was 4 athletes that did compete. But if he was allowed to compete due to visa, he still would have got 5th place. Say if he took last, he still would have had enough points to qualify for this year's Olympia. So what do you do? What do you do? You know, think about it. Treat others like you want to be treated. Because this is his dream, and he did go the distance. He did sign the contract. So I'll tell you what, because I'm the Olympia Pro Wheelchair Director, Anand Arnold from India, I'm giving you a special invite to compete at this year's 2022 Wheelchair Olympia at the Olympia weekend. Now, this has already been approved by Mr. Jim Mannion, which he's the IFBB Professional League President, as well as Tyler Mannion, which he's the IFBB Professional League Vice President, as well as Dan Solomon, which is the President of Mr. Olympia. So they have all approved you to compete. So now, Arnold, congratulations. I know you went up and beyond. And all the other athletes, just know that if this was you, I would still do the same thing for you. So congratulations, Anand, and good luck. And for you who are watching, this is going to be the biggest turnout for wheelchair bodybuilding ever at the Olympia. You can check it out at MrOlympia.com. See you soon.